अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हो गया। ये विमान डोमिनिकन रिपब्लिक एयर कैरियर रेड एयर का था। इसमें 126 यात्री सवार थे। विमान में करीब 11 क्रू मेंबर थे। एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई। तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया। हादसे के बाद विमान से यात्रियों को निकलते हुए देखा गया। इसके बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकाला। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिर्फ 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। विमान डोमिनिकन रिपब्लिक के सेंटो डोमिंगो से संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। इसी दौरान हादसा हो गया। मियामी रेड काउंटी की मेयर डोनी एला लेवन कावा ने अपने ट्वीट में लिखा, जाहिर तौर पर लैंडिंग इतनी कठिन थी कि पूरा लैंडिंग गियर ही नष्ट हो गया और विमान का अगला हिस्सा जमीन पर आ गिरा। हादसे में सिर्फ 3 लोग घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए भेजा गया है।